आज के वीडियो में मैं बहुत ही यूजफुल एक इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने वाली हूँ एंड वो है चंदन। यस, सैंडलवुड पाउडर। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि चंदन हमारे चेहरे के लिए अच्छा होता है एंड आई थिंक सैंडलवुड पाउडर को लाइफ में कभी ना कभी आपने इस्तेमाल किया होगा। अगर नहीं किया है तो भी जान लो गाइस कि जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं उनमें भी सैंडलवुड पाउडर को मिलाया जाता है। मतलब ब्यूटी वर्ल्ड में सैंडलवुड पाउडर इज़ वेरी वेरी पॉपुलर। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको टेस्ट किया जाए और इसको टेस्ट करने के लिए मैंने 7 दिनों तक सैंडलवुड पाउडर को अपनी चेहरे पर लगाया है और इसी का रिजल्ट आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आज का एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ मैं आप लोगों को एंड उसके साथ साथ मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर का रिजल्ट भी दिखाऊंगी विच इज़ वेरी वेरी शॉकिंग। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स। मेरा नाम रूपा है, स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हो और उसके साथ साथ है नोटिफिकेशन बटन। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी उसका जानकारी आप तक पहुँच जाए उसके लिए डेफिनेटली प्रेस दैट नोटिफिकेशन बटन। सो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सैंडलवुड के बारे में। बंगाल में लगभग हर हिंदू के घर में आपको सैंडलवुड का वो पट्टा मिल जाएगा और उसके साथ साथ रॉ सैंडलवुड स्टिक मिल जाएंगे, क्योंकि चंदन को सबसे पहले पट्टे में पानी डाला जाता है और उसके बाद चंदन का जो लकड़ी होता है उसको घिसा जाता है। घिसने के बाद उसका जो पल्प निकलता है उसको भगवान को टीके लगाए जाते हैं। सो हिंदुओं के घर में आपको ये पट्टा मिल जाता है। बचपन में मुझे याद है जब भी मेरे स्किन पे चेहरे पे पिंपल्स आते थे मेरी मम्मी कहती थी कि चंदन को थोड़ा सा घिस लो और उसके साथ कच्चा दूध मिला के अपने पिंपल के ऊपर लगा लो एंड इट एक्चुअली वर्क्स। सैंडलवुड का पाउडर मिला के अपने पिंपल के ऊपर थोड़ी देर लगा के रखते हो ना तो वो पिंपल में सूजन आ जाती है और पिंपल ठीक हो जाता है। सो इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल इंग्रेडिएंट। स्किन को स्मूथ एंड इवन बनाने के लिए सैंडलवुड काम करता है। साथ साथ अनइवन स्किन टोन का इशू है, मतलब लफ लाइन है मेरी तरह, अब हमेशा हंसते हो, हंसना चाहिए लाइफ है, ठीक है ना। चाहे कितने भी लफ लाइन आ जाए डेफिनेटली स्माइल। और उसके साथ साथ अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे का इशू है उसको ठीक करता है। जल गया था कभी चेहरे का कोई भी पोर्शन, वहाँ पे एक दाग है या कोई, तो उसको भी ठीक करने के लिए आप सैंडलवुड का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप कच्चे दूध के साथ सैंडलवुड का पाउडर मिला के अपने पिंपल के ऊपर थोड़ी देर लगा के रखते हो ना तो वो पिंपल में सूजन आ जाती है और पिंपल ठीक हो जाता है। सैंडलवुड के लाखों फेस पैक है, उनमें से कोई भी फेस पैक अपने स्किन टाइप के हिसाब से आप चुन सकते हो। जैसे मेरा स्किन है ऑयली तो यहाँ पे मैंने सैंडलवुड के साथ मिलाया है रोज वाटर एंड इसके साथ मैंने मिलाया है ड्राई मिल्क पाउडर और इनको अच्छे से मिलाकर इसका एक पतला सा पेस्ट बना लेना है और इसको चेहरे पे लगाना है। सैंडलवुड पाउडर के साथ सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल मिला सकते हो, ये आपके स्किन से इरिटेशन वगैरह को दूर करता है। और उसके साथ साथ अगर आपका स्किन ड्राई है एंड सेंसिटिव है, ईची स्किन टाइप का है आपका, तो उस केस में सैंडलवुड ऑयल आप सैंडलवुड पाउडर के साथ मिलाओ एंड उसके साथ आप थोड़ा सा रोज वाटर मिला के यू कैन अप्लाई दैट ऑन योर स्किन एंड येस डेफिनेटली एड हनी ताकि आपके स्किन का जो मॉइस्चराइजिंग बैलेंस है वो मेंटेन रहे। कॉम्बिनेशन स्किन भी यही वाला फेस पैक अपने चेहरे पे लगा सकते हो, ये आपके लिए भी काम करेगा। एंड इफ़ यू हैव नॉर्मल स्किन तो किसी भी तरीके का सैंडलवुड का फेस पैक आप अप्लाई कर सकते हो, आप लोगों के स्किन के ऊपर तो हर तरीके का फेस पैक चल जाएगा। एक्ने को, पिंपल को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए, जिनका स्किन सुपर सेंसिटिव है वो इसको इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट डेफिनेटली कर ले। जो भी सैंडलवुड का फेस पैक आपको लगता है कि आपके स्किन के लिए सूटेबल है उसको तैयार करके कान के पीछे लगा के 5 से 6 मिनट रखो। अगर आपको ईचिंग फील नहीं होती है देन आप इसको अपने चेहरे पे लगाओ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे चेहरे पे किसी ने आइस क्यूब रब कर दिया है। 80% तो ड्राई हो गया है, नाउ इट्स टाइम टू वॉश इट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आज है day 2 सैंडलवुड फेस पैक को अप्लाई करने का। तो चलिए सैंडलवुड फेस पैक को अपने चेहरे पे लगाते हैं। मैं ऐसे कह रही हूँ जैसे मेरे साथ साथ आप लोग भी सैंडलवुड फेस पैक को अपने चेहरे पे लगाने वाले हो।
एनीवेज इस वीडियो के बाद जब रिजल्ट आएगा उसके बाद अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली आप लोग उसके बाद अपने चेहरे पे सैंडल वुड फेस पैक लगा सकते हो। आई हैव दिस ब्यूटीफुल बर्तन, वी वुडन बर्तन है ये। तो ये कहा जाता है कि अगर खाना ख़राब भी हो लेकिन उसको अगर सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए ना तो वो फिर खाने में अच्छा लग ही जाता है। उसी तरीके से अगर एक खूबसूरत से बर्तन में आप फेस पैक को बना कर लगाते हो तो शायद आपका ब्यूटिफिकेशन का लेवल कुछ ऊपर उठ जाए। इसलिए मैं इस खूबसूरत से वुडन बोल में अपना सैंडलवुड फेस पैक तैयार करके लगा रही हूँ। सो चलो लेट्स अप्लाई इट गाइज। थोड़ा सा थिक बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है क्योंकि अगर हम ज़्यादा पतला बनाएंगे तो चेहरे पर रहेगा ही नहीं। एंड आई जस्ट लव दिस, वाह बढ़िया है इसका अरोमा। तो ये आधा सूख गया है तो अभी हम इसके बाद इसको वॉश कर देंगे। मॉर्निंग एवरीवन, इट्स डे थ्री और डे थ्री के शुरुआत में अपडेट ये है कि चेहरा ना काफी ज्यादा फ्रेश लग रहा है। आई थिंक थर्ड डे की शुरुआत में प्रोग्रेस काफी अच्छा है। आज सारा दिन गाइज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी तो सुबह से मैं नहीं लगा पाई हूँ। इट्स फोर्थ डे और अभी रात का समय हो गया है। रात में मैं जो स्किन केयर रूटीन करती हूँ उससे पहले मैं आज सैंडलवुड फेस पैक को लगाने वाली हूँ। स्टिल माई फेस इज लुकिंग गुड। सुबह मैंने सिर्फ फेस वॉश से एक बार चेहरे को धोया था, उसके बाद एक फेस पैक लगाया था। यू नो आई एम ऑब्सेस्ड विथ दिस काट का बर्तन, लेकिन क्या है ना मैंने जितना अच्छा एक्सपेक्टेशन रखा था इससे इतना अच्छा नहीं है। इसका कलर निकलता जा रहा है, दो दिन बाद शायद आपको ये दिखेगा। इसका जो ये ब्राउनिश कलर है ये एकदम नहीं है और उसके बदले इसका एक वाइटी कलर आपको दिख जाएगा। सो ये एक्चुअली पॉलिश किया हुआ था लेकिन इतना अच्छा पॉलिश नहीं था इस बर्तन का। इसको मैं रखूंगी वही 5-7 मिनट, ज़्यादा नहीं सुखाने वाली हूँ। नेचुरल टाइप का जो फेस पैक होता है अगर हम इनको चाहिए पे सुपर सुपर ड्राई कर देना तो उसका इफेक्ट उल्टा हो जाता है। नॉट बैड। सो गाइज देखा ना आपने कि किस तरीके से सैंडलवुड पाउडर का एक सिंपल सा रेसिपी मैंने 7 दिनों तक ट्राई किया और उसके बाद स्किन कितना निखर गया। तो ये हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे बहुत ही सस्ते इंग्रेडिएंट है जिनका हम इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो ये हमें फ़ायदा देते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है एंड आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को स्पेशली अपने स्किन केयर के लिए एंड हेयर केयर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर सैंडलवुड पाउडर और इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और आज के लिए बस इतना ही गाइज, बहुत जल्दी और एक वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए, स्किन का एंड बालों का भी ख्याल रखिए एंड मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।